बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑप्स नर्सिंग, आज हम सेकंड लेक्चर इसका ले रहे हैं। सबसे पहला टर्म है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक मेलेग्नेंट कैंसर है जो कि सर्विक्स के टिश्यू में पाया जाता है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है। और ये कैंसर जो है, ये टिपिकली जब पेप टेस्ट के लिए सर्विक्स को स्क्रैप किया जाता है तो, और उसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है तो इसका पता चलता है। रिसेंट ईयर्स में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो एक रोल अदा करता है सर्वाइकल कैंसर को कॉज करने में। सिजेरियन बर्थ या सिसेक्शन, सिजेरियन बर्थ या सिसेक्शन जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं। वो मदर के यूट्रस में इंसीजन देती है और डिलीवर करती है एक या दो बेबीज को। सिजेरियन जो है वो परफॉर्म किया जाता है उन खवातीन में कि जिनके विजाइनल डिलीवरी माँ या बच्चे के सेहत के लिए कोई रिस्क लेकर आती है। वो सिचुएशन जिसमें सिजेरियन किया जाता है उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ बेबी, प्रोलॉन्ग लेबर, फीटल डिस्ट्रेस और अम्बिलिकल कॉर्ड के डेंजर्स शामिल हैं। फीमेल कंट्रासेप्टिव, फीमेल कंट्रासेप्शन जो है वो बर्थ कंट्रोल के लिए किए जाते हैं। इनमें डिवाइसेस भी शामिल हैं जिसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस या डायफ्राम और कंडोम्स हैं। इसमें एजेंट्स भी हैं जिसमें स्पर्मिसाइडल लोशन या फिर ओरल ड्रग्स हैं, ओरल बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। फिर सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसमें ट्यूब लाइगेशन है जो कि इंटेंशनली कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए लिए जाते हैं। अब आजकल मार्केट में जितने भी कंट्रासेप्टिव है सारे इफेक्टिव हैं, लेकिन उस खातून के लिए जो एक कंट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहती है उसको चाहिए कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपने होप्स और डिज़ायर्स को और उसके इससे मुतलक जो खदशात और सवालात हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके बेस्ट बर्थ कंट्रोल मेथड की प्लानिंग कर सकती है। फिर गेस्टेशनल डायबिटिक है। गेस्टेशनल डायबिटिक एक डायबिटिक वो डायबिटिक है जो कि फर्स्ट टाइम फीमेल को प्रेगनेंसी में होता है। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और उसको केयरफुली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। इस मॉनिटरिंग में न्यूट्रिशनस डाइट आ जाती है, एक्सरसाइज आ जाती है और कभी कभार मेडिसिन भी आ जाती है। US में 100 ख़वातीन में से 8 फीमेल ऐसी हैं कि जो कि जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक हो जाता है। अब अगर किसी खातून की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटिक की, या फिर वो ओवरवेट है, उसकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा है, या उसको गेस्टेशनल डायबिटिक है हो चुकी है किसी प्रीवियस प्रेगनेंसी में, तो ये खातून जो है वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। और गेस्टेशनल डायबिटिक टिपिकली जो है वो 24 से 28 हफ्ते में, प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्ते में किया जाता है। ज़्यादातर वुमेन जो है उनका प्रेगनेंसी के बाद डायबिटिक ख़त्म हो जाता है खुद ही। फिर डिजिटल मेमोग्राफी की बात करते हैं। डिजिटल मेमोग्राफी जो है वो एक मेमोग्राम है जो कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन करता है। डिजिटल एक्सरे जो लिए जाते हैं वो ब्रेस्ट में की स्क्रीनिंग के लिए, उसमें कोई भी एबनॉर्मल चेंजेस या कैंसर आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेमोग्राफी की जाती है, तो उन डिजिटल एक्सरे को रीड करने के लिए कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन से उसको कंप्यूटर के मॉनिटर पर रीड किया जाता है और उसको वहाँ से देख के एनालाइज किया जाता है। डिजिटल मेमोग्राफी जो है वो आजकल ज़्यादा प्रेफर की जाती है, उसको डॉक्टर और मरीज़ दोनों ही लाइक कर रहे हैं। इसके रीज़न क्या है कि इसमें कम डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट के लिए, ये क्लियर होते हैं, ये ज़्यादा कंसाइज रिज़ल्ट देते हैं, ये शॉर्टर एग्जामिनेशन टाइम लेते हैं, और इसमें सबसे बढ़ के अच्छी बात जो है वो ये है कि इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप के पेशेंट हार्ड में एक्सरे की फिल्म ले जाने की बजाय वो सॉफ्ट में USB में भी उसको ले जा सकते हैं। फिर है डायलेटेशन एंड क्यूरेटार्च या DNC। कुछ केसेस में जब मिसकैरेज हो जाता है या दूसरे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं
तो ये प्रोसीजर किया जाता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। डायलेटेशन का मतलब ये ये होता है कि डायलेटेशन या जो क्यूरेटार्च अपना किया जाता है। का मतलब होता है कि इंट्रास्टाइनल डायलेटेशन का मतलब होता है सर्विक्स का ओपन करना, और क्यूरेटार्च का मतलब होता है कि स्क्रैप करना, यूट्रस से कंटेंट को स्क्रैपर के जरिए स्क्रैप करके, उसके यूट्रस के वॉल से स्क्रैप करके और फिर सक्शन डिवाइस यूज करके उसको सक किया जाता है। ये परफ्यूजन जो है वो टीएनसी हमारे जो बॉडी में परफॉर्म किया कैसे जाता होता है है ये ओपीडी सर्जरी है और और जनरल उसके लिए एनेस्थीसिया क्या के क्या अंडर चीज़ें होती है। ज़्यादातर जो फीमेल जो है वो माइल्ड क्रैम्पिंग महसूस करती है में चली जाती है और और उसके थोड़ी बाद सी क्या उसको क्या चीज़ें डीएनसी हो के बाद सकती ब्लीडिंग हैं। भी होती है। ज़्यादातर ख़वातीन अपनी नॉर्मल रूटीन पे कुछ दिनों में चली जाती है और कुछ को रिकवर होने में इसमें सिर्फ जो ट्वेंटी फोर आवर्स लगते हैं। इसका मतलब है पेन डिसमेनोरिया, ज़्यादातर फीमेल अपने होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ में पीरियड जो है डिसमेनोरिया क्या क्या एक्सपीरियंस करती है, है इसका और मतलब उसमें है जो है पेनफुल पीरियड। थ्रोबिंग पेन होता है लोअर कुछ एक्सट्रीमिटी फीमेल के जो लिए ब्लड पीरियड्स जो है उसमें हल्का प्रेशर सा बिल्डिंग डल होता सा है पेन होता है, जबकि किसी में थ्रोबिंग पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। पेन होता ये है पेन जो है लेग्स में भी महसूस होता है और लोअर उसके बैक पे बाद भी जाता है। और ज्यादातर ज़्यादातर फीमेल फीमेल जो है वो मोशन फील का करती पेन है, हेडेक होता है, नाउजिया, वॉमिटिंग एंड स्वेटिंग होती है डिसमेनोरिया के दौरान। और ज़्यादातर के लिए ये पीरियड जो है जस्ट नॉर्मल एक पेन होता है ये साइन जो है और किसी ये भी उसके प्रॉब्लम का पीरियड्स की होता है टाइमिंग जैसे को ज़्यादा कि एग्रीवेट उसके लिए कर देती मेरे है, पास जो जबकि है दूसरों की तो ज़िंदगी ही अजीरन हो जाती है। ये साइन जो है इतने इसके लिए प्रॉब्लम बनाते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ पे रूल आउट किया जाता है कि उसको एंडोमेट्रियासिस या यू यू यूट्राइन या थायराइड या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में से कोई तो नहीं है। अगर इसमें से कोई काज है तो उसकी ट्रीटमेंट दे दी जाती है ताकि पीरियड को कम पेनफुल बनाया जा सके इन फीमेल के लिए। बाहर भी एक लाइनिंग बना लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस क्या जिससे है? कि एंडोमेट्रियोसिस जो है ये एंडोमेट्रियल सेल्स जो है ये यूट्रस के बाहर भी एक लाइनिंग बना लेते हैं ये ओल्ड और एज ये में लगता 5 to 10% है या फीमेल में होता है। इसके नॉर्मल साइज से ये ज्यादा होता है सेल्स जो है इन पे और रिप्रोडक्टिव ये सेल हार्मोन्स कम वेट भी लाते हैं काम करते हैं। ये ओवरिज के ऊपर या फिलोपियन ट्यूब्स के जिससे अंदर कि या ज्यादा प्रेशर दूसरे नॉर्मल साइट्स पे ये बनते हैं सेल्स, और ये डिफरेंट लेवल का पेन काज करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव ईयर्स की डिजीज है। एंडोमेट्रियोसिस रिप्रोडक्टिव ईयर्स की डिजीज है, लेकिन कुछ फीमेल को ये प्यूबर्टी से पहले और कुछ को मेनोपॉज के बाद भी ये होता है। एंडोमेट्रियोसिस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन स्टिल मौजूद है कि ये रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन यानी मेंसेस के ब्लड के उल्टे फ्लो की वजह से ये सिचुएशन पैदा होती है। कंप्लीट तो नहीं समझा जा सकता इन टिश्यू पे हार्मोन्स का असर होता है, ये ब्लीड भी करते हैं, साइज में भी बढ़ते हैं और कभी सिस्ट भी बना लेते हैं। लेकिन ये ताहम इस मैकेनिज्म को कंप्लीट से नहीं समझा जा सका कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन इसका काज कैसे बनते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो लंग्स और नोज में भी पाए जाते हैं। तो अगर ये काज होती तो प्रॉब्लम लंग्स और है जो नोज में ये ब्लीडिंग के पैदा न दौरान होते। होता है तो ये स्टिमुलेशन फिर हम बात इंटरफेरेंस करते हैं फीमेल सेक्सुअल और ये डिसफंक्शन सारी की। चीज़ें फीमेल इसके सेक्सुअल कंप्लेंट डिसफंक्शन जो है इसके वो कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम है जो फीमेल को इस 48 एक्टिविटी के परसेंट दौरान फीमेल होता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन होता ये है स्टिमुलेशन और वो इंटरकोर्स ऑर्गेज़म खवातीन को ऑर्गेज़म या फिर गैस महसूस होती इंटरकोर्स है के एंड में किसी भी टाइम ये प्रॉब्लम हो और सकती है। ज़्यादातर फीमेल जो फोर्टी है थ्री वो परसेंट इसके फीमेल को ये सेक्सुअल कारण डिसफंक्शन एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ में। ज़्यादातर एक ख़वातीन जो होती है डॉक्टर वो के पास हिचकिचाहट महसूस करती है इस प्रॉब्लम को ये डिस्कस अपनी करने मेंटल में, हेल्थ कंडीशन और के बारे ज़्यादातर में फीमेल जो जानती है है उनको ये सेक्सुअल और ये डिसफंक्शन, अपनी लक्ष्य स्ट्रेस, के पास जाती एन्जाइटी, है डिप्रेशन, अपने लक्ष्य के एज पास या फिर जाती है कुछ अपने ड्रग गोल यूज़ के करने पास की वजह जाती से है होता है। तो उसकी जो लेकिन अंडरलाइंग अच्छी प्रॉब्लम खबर है ये है कि उसको इस कंडीशन को ट्रीट किया जा आजकल सकता है। के ट्रीट कर लिया जाता है अगर ये फीमेल और डॉक्टर के उसकी पास अंडरलाइंग जाके प्रॉब्लम एक खत्म हो रिलैक्स जाती एनवायरनमेंट में है अपनी उसकी लाइफ सारी सेटल हो प्रॉब्लम बता जाती देती है है, तो उसकी जो अंडरलाइन काज बन रही है सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर दिया जाता है और वो सेक्सुअल डिसफंक्शन एक का लो प्रॉब्लम क्वालिटी हल ऑफ हो लाइफ जाता है। होती है यानी कि वो इससे बहुत खुश
फीटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और फीटल डेवलपमेंट जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है ड्यूरेशन को कह सकते हैं तो या फिर फीमेल के लिए ये एक आओ वाली सेंस यूटेरस होती है, ओपन यानी कि वो इस पे यूटेरस बहुत ओपन। खुश होती है। ये ये जो 9 months टाइम है और इसको टू हम वीक्स का फीमेल ये ड्यूरेशन है, या प्रेग्नेंसी फिर डेज में और हम 280 days फीटल इसको कह सकते डेवलपमेंट हैं, और प्रेगनेंसी का या टाइम फिर है जो हम इसको वीक में काउंट करें तो ये 40 week की ड्यूरेशन है। इन दिनों में ये जो प्रेगनेंसी की जो फीटल टाइमिंग है इसको डेवलपमेंट हम हो थ्री रहा है ट्राइमेस्टर में वो डिवाइड कर फीमेल सकते देख रही हैं, होगी। और फीमेल का जो गेस्टेशनल हार्मोन पीरियड जो है वो फीटल टेन डेवलपमेंट वीक्स का हो होता रहा है है, फिर मालूम उसके होता बाद है फीटल एक्सरे की पीरियड शुरू एक्सरे होता के है। जरिए जो गायनोकोलॉजिस्ट करती है और वो इन फीटल दिनों में डेवलपमेंट चेक जो करने के इन साथ साथ ये जो प्रेगनेंसी है, अगर इसको प्रेगनेंसी हम के डेज में या एंड वीक्स में या मंथ्स में और काउंट करें, फीटल फीटल डेवलपमेंट डेवलपमेंट हम और इसमें प्रेगनेंसी के मालूम एंड करते हैं वगैरह मुस्तकिल वगैरह एग्जाम्स के जरिए जो गायनोकोलॉजिस्ट करती है, और वो जो मुख्तलिफ फीटल डेवलपमेंट चेकअप के साथ साथ मुख्तलिफ टेस्ट भी फीटल करती डेवलपमेंट है, के लिए वेट और जरूरी लेंथ भी टेस्ट देखती है, ऑर्गन्स भी देखती है, जो ब्रेन टेस्ट भी डेवलपमेंट होते हैं और वो सर्टेन हमारे डिजीज के लिए फीटल टेस्ट वगैरह भी डेवलपमेंट कराती में है। उसको कोई तो मेडिकल ये जो है, ये मेडिकल ड्यूरेशन जो है प्रोग्राम इसमें हो फीटल डेवलपमेंट जो उस देखी जा दौरान सकती है। बच्चे को या उन दोनों को हाई उसको रिस्क मिलने के प्रेगनेंसी साथ साथ कौन सी प्रेगनेंसी है? और वो कॉम्प्लिकेशन एक पैदा करने प्रेग्नेंट वाले जो फीमेल जो होती कॉम्प्लिकेशन है है वो हाई रिस्क पे वो कौन कंसीडर सी की हैं जाती है, अगर उसको कोई मेडिकल जो प्रॉब्लम, बच्चे उसका होते हैं कोई जो मेडिकल प्रॉब्लम मालूम हो 35 ईयर्स की जो एज में उसको या कॉम्प्लिकेशन उसके बच्चे को या उन पैदा दोनों करते को हैं हाई रिस्क पे लेकर आती है, जब वो और कंसीव वो करती हैं कॉम्प्लिकेशन पैदा कर उन्हें सकती क्या है पता प्रेगनेंसी में। कि वो वो खवातीन जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी प्रेगनेंंसी से पहले कभी जिनकी हाई रिस्क मेडिकल प्रेगनेंसी परमिशन होती है, लेती हैं वो टिपिकली या थर्टी फिर वो फाइव ईयर्स अपने की एज बच्चे से जो को ज़्यादा होती है, या 15 years से कम होती है, ज़्यादा या होती वो होगी वाली जब वो कंसीव करती है। यहाँ पे उसके हमने क्या बाद पढ़ा कि अगर किसी चीज़ को वो कोई खवातीन हाई कंसीडर रिस्क पे करता हैं है जिनको कोई पहले से मेडिकल कोई परमिशन है अपने बच्चे मेडिकल के लिए कंडीशन है, या सीरियस मेडिकल या उसको फिर कंसर्न वो है 15 years से छोटी है, या थर्टी तो फाइव ईयर्स से हाँ उसकी जी एज तो ज़्यादा अगर है, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली वो फीमेल उसको है। हाई रिस्क के इसके कैटेगरी साथ में साथ अगर लेकर प्रीवियस उसको बर्थ वो डिफेक्ट कोई खवातीन हुआ है, या से कोई बात कॉम्प्लिकेशन हुई है करती प्रायर है प्रेगनेंसी में, या सीरियस मेडिकल उसको कोई उनको कंडीशन है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जल्द हो, से जल्द उसको प्रेगनेंसी हार्ट का डिजीज हो, या टाइप वन डायग्नोस्टिक और डायबिटिस ट्रीटमेंट हो, तो वो उसको उसको यकीन बनाना हाई रिस्क होता के है कैटेगरी में बिफोर प्रेगनेंसी लेकर ताकि जाती वो है। अपनी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली कंप्लीट और कर वो सके खवातीन जो और इस वो कैटेगरी में फाल मेडिकल करती परमिशन हैं ले सके। तो ये था आज का लेक्चर। उनको अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है केयरफुली उनको तो प्रेगनेंसी आप के मुझे दौरान कमेंट मॉनिटर करके किया बताइए जाता है, और इनके लिए तो प्रॉपर आपको हेल्प प्लान बनाया मिलेगा जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली आप अपने कंप्लीट बच्चे करके को एक हेल्दी अच्छे बेबी से खत्म को डिलीवर करके कर अपने सकें। आप को ये था आज का लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, या साथ ही मेरे लिए कोई पॉजिटिव फीडबैक हो, तो आपको हाईली अप्रिशिएट किया जाएगा। और इसके साथ ही आपका शुक्रिया। लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।